Hello everyone, welcome back to the Angan Public School's online teaching class. I hope you all are well and this is your English subject, and today I will teach you a meaning of activity 3. In this second lecture I will teach you meaning of activity 3. First meaning is here given you waste means useless thing. Waste means useless things. Useless things means जो वस्तु हमें यूज नहीं अब करते दोबारा वो क्या हो जाती है, यूजलेस. मोबाइल, मोबाइल मीन्स मूविंग. मूविंग यानी जो हलन चलन कर सके. सोर्स, सोर्स मीन्स कोज. कोज मीन्स जिसे हम कहते हैं स्रोत. स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स नॉट मूविंग, जो हलन चलन नहीं करती हो. डिप्लेशन, डिप्लेशन मीन्स बिकमिंग लेस. बिकमिंग लेस मीन्स कमी होना. रिसोर्सेस, रिसोर्सेस मीन्स थिंग्स लाइक वाटर, एयर, ऑयल एट्सेट्रा. जो हमें द्रव्य रूप में मिलती है, वाटर यानी पानी, हवा, ऑयल, ये सबको हम रिसोर्सेस कहते हैं. टू अपीयर, अपीयर मीन्स टू लुक. टू लुक मीन्स देखना. एक्सपोज टू, एक्सपोज टू मीन्स ओपन टू, खोलना. टू पोज, टू पोज मीन्स क्रिएट करना, संग्रह करना. कोज. रिस्क, रिस्क यानी डेंजर. नाउ कंटेमिनेटेड मीन्स, कंटेमिनेटेड मीन्स डर्टी या इम्प्योर. डर्टी यानी गंदा, इम्प्योर यानी अशुद्ध. हियर इज द मीनिंग एक्टिविटी 3. द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ. पृथ्वी में घटित होती महिमा यानी पृथ्वी पे जो घटित हो रहा था उसके बारे में फिर डिस्कशन किया गया, ये यहाँ पर हमें बताया गया है. द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल. अर्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑन 22 अप्रैल. इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द अर्थ डिप्लीटिंग इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज. ये पहले, यह प्रथम कार्य किया गया था लोगों को जागरूक करने के लिए कि पृथ्वी पर जो घटित हो रही है पर्यावरण संसाधना और जो पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है उसको, उसके लिए हम क्या करें, इसके लिए सबसे पहले ये कार्य किया गया था. द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे इन 1992 वॉज मेड मेमोरेबल बाय एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ब्राज़ील. ब्राज़ील में सर्वप्रथम इन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस द्वारा अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था, वो बहुत ही यादगार रहा था. द लीडर्स ऑफ मैनी कंट्रीज अटेंडेड दिस इवेंट एंड इट लेड टू अ न्यू मूवमेंट टू प्रिजर्व द अर्थ्स रिसोर्सेज इन बोथ बिग एंड स्मॉल वेज. और यहाँ पर अलग अलग देश से नेता इकट्ठे हुए थे और उन्होंने किस तरह पृथ्वी की सुरक्षा करनी है और किस तरह उसको बचाना है और इसलिए बहुत छोटे या बड़े किस तरह के कदम उठाए जाएं, ये इवेंट में यहाँ पर क्या किया था, डिस्कस किया गया था. पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टेक अप अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज लाइक ट्री प्लांटेशन, अवेयरनेस कैंप्स ऑन एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स, पॉल्यूशन रिडक्शन कैंप्स, मैनी मोर. यहाँ पर क्या हुआ, लोगों को अक्रॉस द वर्ल्ड वेक अप अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज. यहाँ पर लोगों को जागृत करने के साथ साथ यहाँ पर कितने कैंप ऐसे लगाए गए थे जिससे लोग क्या हो, जागृत हो. जैसे कि ट्री प्लांटेशन, हमें पेड़ लगाना चाहिए, फिर ऐसे कैंप बनाए गए और इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स करे गए, जैसे पर्यावरण की हम रक्षा कैसे करें ये सब समझाने का कार्य भी किया गया. पॉल्यूशन रिडक्शन कैंप्स, पॉल्यूशन को किस तरह से कम किया जाए उसका भी यहाँ पर डिस्कस किया गया. सो वी कैन से डेट द वर्ल्ड अर्थ डे इज़ अ टाइम फॉर पीपल अराउंड द ग्लोब टू सपोर्ट द इन्वायरमेंटल परफेक्शन मूवमेंट. यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड अर्थ डे यही एक समय था लोगों को जो पृथ्वी पर जो हो रहे हैं पॉल्यूशन और भी
कितने वृक्षों को कट कर रहे थे, उसे किस तरह से रोकना और किस तरह से इन्वायरमेंट को बचाना, ये सब यहाँ पर लोगों को अवेयर कराया जाता था। हियर इज द मीनिंग ऑफ एक्टिविटी 4। आवर फर्स्ट मीनिंग इज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मीन्स ट्राई करना। अवेयर यानी टू नो, जानना। इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण यानी रिलेटिंग टू द इन्वायरमेंट, पर्यावरण से जुड़ा हुआ। मेमोरेबल यानी रिमेम्बर यानी यादगार। इंटरनेशनल मीन्स ऑफ मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व के अलग अलग देश। कॉन्फ्रेंस यानी मीटिंग जिसके हम अलग अलग तरह की लोग बाग मीटिंग करते हैं, उसे हम बोलते हैं मीटिंग भी कह सकते हैं और कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। नाउ हियर इवेंट यानी ओकेशन यानी प्रसंग। टू प्रिजर्व मीन्स टू सेव करना यानी बचाना। रिडक्शन मीन्स डिक्रीज करना, डिक्रीज यानी घटना। ग्लोब यानी अर्थ यानी पृथ्वी। प्रोटेक्शन यानी सेफ्टी यानी सुरक्षा। नाउ कम टू द एक्टिविटी 5। व्हाट विल यू डू टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट अवर अर्थ। अपने क्या करेंगे पृथ्वी को बचाने के लिए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड टेक द डिजायरेबल ऑप्शंस। ऑल्सो मेंशन यू वुड कंट्रीब्यूट टू बेटर अर्थ और बेटर वी मूवमेंट। पृथ्वी को बचाने के लिए जो हम यहाँ पर करेंगे वो यहाँ पर मेंशन करो और हम किस तरह से अच्छे बनेंगे वो भी यहाँ पर राइट करना है। फर्स्ट ऑफ सेव वाटर। सेव वाटर मीन्स पानी बचाओ। यस कि नो? यस। इफ़ यस व्हाट विल यू डू टू सेव वाटर। अगर यस है तो हम पानी बचाने के लिए क्या करेंगे। तो आवर फर्स्ट पॉइंट इज आई विल क्लोज द टैप आफ्टर यूज़। मैं क्या करूँगी, पानी को यूज़ करने के बाद तुरंत नल बंद कर दूँगी। सेकेंड पॉइंट इज आई विल नॉट वेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। मैं पीने का जो भी पानी होगा उसे वेस्ट नहीं करूँगी, जितना हमें चाहिए उतना ही पानी लेना है। ओके, नाउ सेव ट्रीज। सेव ट्रीज यानी पेड़ बचाओ। यस कि नो? यस, पेड़ बचाएंगे हम। इफ यस व्हाट विल यू डू टू सेव ट्रीज। तो क्या करेंगे हम पेड़ को बचाने के लिए। तो अवर फर्स्ट पॉइंट इज हियर इज आई विल नॉट कट ट्रीज। मैं पेड़ों को काटूंगी नहीं। सेकेंड पॉइंट इज आई विल प्लांट मोर ट्रीज। मैं बहुत से पेड़ को उगाऊंगी। एंड अवर थर्ड पॉइंट इज सेव एनिमल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स और एनिमल्स को बचाओ। यस और नो? यस। If yes, what will you do to save them? अगर yes कह रहे हो तो हम क्या करेंगे उसको बचाने के लिए। I will give food and water to the animals and birds. मैं क्या करूँगी, birds और animals के को food दूंगी और water भी दूंगी। Okay? Then second point is I will not hurt animal and birds. मैं कोई भी animal को या birds को हर्ट नहीं करूंगी, उन्हें मारूंगी नहीं। इस तरह से हम क्या करेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। नाउ कम टू द एक्टिविटी 6। हियर आर सम पिक्चर्स। हियर इज द फर्स्ट पिक्चर इज वेस्टेज ऑफ वाटर। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। ओके, सो व्हाट वी डू हियर, वी शो द फर्स्ट पॉइंट आई विल क्लोज द टेप आफ्टर यूज। यानी कि हम जब भी पानी का जब भी यूज हो जाए तो हम टेप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। राइट, हियर मेक एवरी डे अर्थ डे। मेक एवरी डे अर्थ डे यानी हम क्या करेंगे, पृथ्वी पे जो इधर उधर जो कचरा हम डालते हैं वो ना डाल के क्या करेंगे, डस्टबिन में डालेंगे। ओके, एंड दिस इज अवर नेचुरल सीन ऑफ अर्थ। ओके, एंड हियर इज द सम पॉल्यूशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। ओके,
Now here given some sentences. Save water, save life. Don't litter, it will make your life bitter. Yani pani bachao aur jindagi bachao. पानी बचाएंगे तभी हमारी ज़िंदगी बचेगी, पानी बिना तो हम जी ही नहीं सकते, राइट? इसीलिए पानी बचाओ और ज़िंदगी बचाओ. डोंट लिटर, इट विल मेक योर लाइफ बिटर. ऐसा कुछ मत करो कि हमारी लाइफ बिटर हो जाए. नर्चर नेचर, प्लांट और ट्री, प्लांट और ट्री, सो दैट द नेक्स्ट जनरेशन कैन गेट एयर फ्रीली. हमें क्या करना है, इस पृथ्वी पे जितना हो सके उतने पेड़ उगाने हैं और अपनी आने वाली जनरेशन को एयर फ्रीली देना है. ओके, यानी जितने हम पेड़ उगाते हैं उतना ऑक्सीजन हमें मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है यानी हम एयर फ्रीली ले सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज अ पोयम. हियर पोयम इज In first line, up into the banyan tree, who should climb but little me. यहाँ पर जो कवि है, जो poet है, वो क्या बोल रहा है कि up into the banyan tree, banyan tree पर ऊपर से चढ़ना, और who should climb up, कौन उस पर चढ़ सकता है, तो वो मैं हूँ. I held the trunk with both my hands and looked around all nearby lands. मैं अपने दोनों हाथों की मदद से ट्रंक को पकड़ के उस पर चढ़ता हूँ एंड उसके ऊपर चढ़ के वो क्या देख रहा है, उसके आसपास की जो भी जगह है, पृथ्वी के जो आसपास जो भी जगह है, झाड़ के आजू बाजू जो पृथ्वी है वो देख सकता है. आई शो द नेक्स्ट डोर गार्डन लाइन, मैं देख सकता हूँ कि थोड़ी दूर पर क्या है, गार्डन है. फुल ऑफ फ्लावर्स बिफोर माई आई, जो कि गार्डन में क्या है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं. एंड मैनी प्लीजेंट फेसिस मोर, और भी बहुत ही आनंदमय जो फेसिस लेकर फेसिस देख सकता हूँ, जो आनंद से बैठे हैं गार्डन में, दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर, जिनको मैंने कभी देखा नहीं है. आई शो द डिम्पलिंग रिवर पास, मैं देख सकता हूँ कि गहरी नदी जो है वो पास हो रही है. एंड बी द स्काईज ब्लू लुकिंग ग्लास, और जो स्काई है, स्काई यानी आकाश, ब्लू यानी ब्लू कलर, जो लुकिंग ग्लास, लुकिंग ग्लास, लुकिंग यानी आकाश कैसा लग रहा है, जैसे कि एक कांच हो. द डस्ट रोड्स गो अप एंड डाउन, जो हमारी रोड है वो डस्ट से भरी है, ऐसा लग रहा है अप एंड डाउन जा रही है, यानी कहीं उतरती चढ़ती सी लग रही है, यानी सीधी नहीं बताई. With people tramping into town, और जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने टाउन में, अपने कस्बे में घूम फिर रहे हैं. If I could find a higher tree, अगर मैं और थोड़ा ऊपर जा सकता हूँ, तो farther and farther I should see, तो मैं और भी दूर दूर तक देख रहा हूँ. To where the grown-up river slips. मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा है वो, टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स, एक जो रिवर है वो स्लिप होती जा रही है, जो एक नदी है, जो पानी है बह रहा है वो धीमे धीमे स्लिप होती जा रही है. इन टू द सी अमॉन्ग द सिप्स, वो क्या हो रही है, धीमे धीमे जो नदी है वो सी की तरफ जा रही है, और वो शी पर मैं कौन है, सिप्स की तरफ जा रही है, सिप्स जो तैर रही है समुद्र में, वो उसकी तरफ नदियाँ सारी बही जा रही हैं. टू वेयर द रोड्स ऑन आइदर हैंड लीड ऑनवर्ड इन टू फेरी लैंड, जो रोड है वो जो जा रही है रोड, वो रोड कैसी, कहाँ जा रही है, ऐसा लग रहा है वो रोड जैसे फेरी लैंड हो. फेरी लैंड मीन्स परियों का पृथ्वी हो, ऐसा लग रहा है. वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट 5, सभी बच्चों ने 5 बजे डिनर ले लिया है. एंड ऑल द प्ले थिंग्स कम अलाइव, और सभी वस्तुएं क्या हो गई हैं, जैसे जिंदा हो गई हैं. एंड दिस इज R.L. स्टीवंस पोयम.
Now here is the meaning of activity 7. Held means caught. Held means caught, yani pakadna. Pleasant means nice, acha, anand mehsoos hona. Dimpling, bataya tha na nadi, gehri nadi, deep yani gehra. Looking glass yani mirror ki tarah, kaanch ki tarah. Tramping means walking kar rahe ho. Grown up means bada hona, yani big. Either means each, pratyek ya fir both, dono. Onward means forward means aage. To dine yani to have dinner le liya ho. Now come alive, dinner yani raat ka bhojan. Come alive, to be full of life, yani apni puri full life yani full jindagi ji raha ho. Now come to the question answers. What is the poem? Poem mein kya bhula gaya hai? Ye poem kiske baare mein likhi gayi thi? The poem is about the nature. The poem is about the nature. Nature ke baare mein likhi gayi thi. Now next, list the natural things mentioned in the poem. Jo bhi is poem mein prakritik cheezon ka varnan kiya gaya hai, उसको हमें यहाँ पर बताना है. अवर फर्स्ट पॉइंट इज बनियन ट्री के बारे में बताया है. फ्लावर्स हैं, रिवर है, सी है एंड स्काई. व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रोन अप रिवर? ग्रोन अप रिवर यानी से क्या मतलब है पोएट का? ग्रोन अप रिवर मीन्स होता है बिग रिवर, एक बड़ी नदी जो बह रही है. Identify and mention the words that rhyme. Rhyme words यहाँ पर हमें बताने जो भी हमें poems में दिखाए. तो first है tree, me. हम यहाँ पर poem में भी show करते हैं tree and me. Second है hands, land. यहाँ पर है हमारा hands, lands. मिल गया. Most of rhyming words हमें last लाइन के पोयम के जो लाइन होती है उसमें लास्ट वर्ड ही मिलेगा. देन थर्ड इज लाई आई. हियर इज द लाई आई. मोर बिफोर, तो यहां पर है मोर बिफोर. ओके. पास ग्लास, तो यहां पर है पास ग्लास. डाउन टाउन, नेक्स्ट है डाउन टाउन. फिर क्या मिलेगा? ट्री सी, यहाँ पर है ट्री सी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ट्री सी. स्लिप्स सिप्स. हैंड लैंड. फाइ लाइव. Okay, this is our rhyming words. Now come to the activity 8. Construct a sentence for each word. यानी यहाँ पर हमें words दिए हैं, उस according हमें क्या करना है, यहाँ पर sentence बनाने हैं. First word is protect. Protect यानी सुरक्षा करना. We should protect nature. हमें nature को protect करना चाहिए. Beautiful. Beautiful means there is a beautiful garden in my house. मेरे घर में बहुत ही सुंदर एक garden है. Majestic. Ship sail in the majestic sea. Mighty. Tiger is a mighty animal. Pouring. Pouring means I am a pouring juice in the glass. Here are some sentences which you write in your textbook. Okay. Come to the activity 9. Activity 9. First of all, here sample is the given the sample of flowers. First flower is rose. Apna first flower kya hai? Rose.
जो साइज में क्या होता है, मीडियम होता है कि स्मॉल होता है? तो यस, स्मॉल होता, मीडियम साइज भी होता है, स्मॉल भी होता है, हम रखेंगे मीडियम। और ये कलर कैसा होता है? रेड, प्लीजेंट होता है, शांति का प्रतीक होता है। ओके, नाउ हियर लोटस। लोटस क्या है? मीडियम साइज का होता है, वाइट कलर में भी होता है, पिंक में भी होता है। ओके, और ये माइल्ड, इसकी जो फ्रेग्रेंस है यानी इसकी जो सुगंध होती है वो कैसी होती है? माइल्ड होती है, और रोज की प्लीजेंट होती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, राइट? और इसकी होती है माइल्ड यानी बहुत ही कम सुगंध वाला होता है। नाउ हियर मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड कैसा होता है? स्मॉल, और कैसा होता है? येलो में भी होता है, ऑरेंज भी होता है, और इसकी स्मेल होती है प्लीजेंट, बहुत ही आनंद देती है। नेक्स्ट है चमेली। चमेली के फ्लावर्स कैसे होते हैं? स्मॉल साइज के होते हैं, येलो होता है कलर, वाइट कलर होता है, और वो बहुत ही प्लीजेंट होते हैं। ओके, नाउ कम टू द एक्टिविटी 10, क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड हमें फाइंड करने हैं यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है एयर, तो हमारा फर्स्ट क्या मिला हमें? एयर। ओके, देन बर्ड, तो हमारा क्या मिला हमें यहाँ से? ये मिल जाएगा BIRD, बर्ड। टाउन, अब टाउन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये रहा हमारा TOWN, टाउन। ट्रेन, ट्रेन अब हमें ढूंढना है यहाँ पे, ट्रेन हमें कहाँ मिलेगी? तो TRAIN, ट्रेन, और उस पर हमें क्या करना है? सर्कल करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्री। ट्री इस तरह से TRII। नाउ लेग, ये रहा हमारा लेग, LEG। देन कैट, कैट ढूंढना है अब हमें। नाउ हियर कैट, कैट इज हियर, CAT, कैट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गॉट, वेयर इज गॉट? यस, ये GOAT, गॉट। क्रो, CROW, क्रो। ओके, सारे एनिमल्स और बर्ड्स के नेम हमें यहाँ फाइंड हो रहे हैं। टाइगर, TIGER, टाइगर। ओके, नाउ अवर यूनिट 1 इज़ फिनिश्ड इन टेक्स्ट बुक। ओके, बाय बाय।